वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और फाइनली मगध यूनिवर्सिटी में स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। और जो लगातार मैंने भी कई सारे वीडियोस दिए, अब स्टार्ट होगा, कब स्टार्ट होगा, इस तरीके से आपका भी सब्र टूटते जा रहा था, लेकिन फाइनली मगध यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट कर दिया है। क्या सारा प्रोसेस है आज के वीडियो में आपको बताएंगे, साथ में आपको ब्लैंक ऑफर लेटर डाउनलोड करके दिखाएंगे, उसको फिलअप करने का प्रोसीजर बताएंगे ताकि आपको जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। डेट भी आपको बताएंगे कि किस डेट में आपको कॉलेज को जमा करना है और किस तरीके से आपको जमा करना है ताकि आपका एडमिशन कम से कम 100% इस स्पॉट एडमिशन के प्रोसेस में आपका हो जाए, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं तेज गति से। और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फर्दर एंड फ्यूचर सारे अपडेट आपको मिल सके एंड फर्दर आपको सपोर्ट भी मिलता रहे। और फिर कुछ बिजनेस प्रॉब्लम हो तो आप उसे सॉल्व करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कॉन्टैक्ट के प्रोसेस दे दिए गए हैं, आप उसे कॉन्टैक्ट कीजिए और जो आपका प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की पूरी हम लोग कोशिश करेंगे। तो क्या करना है, अभी मैं मगध यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ, यहाँ से आने के बाद आपको क्या करना है, क्योंकि अभी आपको अपना ऑफर लेटर यानी ब्लैंक ऑफर लेटर अभी आपको डाउनलोड करना है। ब्लैंक ऑफर लेटर डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, यहाँ से आपको आ जाना है एडमिशन वाले सेक्शन पर। चूंकि एडमिशन वाले सेक्शन पर आते हैं तो आप अंडर ग्रेजुएट के हैं तो अंडर ग्रेजुएट वाले सेक्शन पे आइएगा, और जो पोस्ट ग्रेजुएट के होंगे पोस्ट ग्रेजुएट के सेक्शन पे आएंगे। इसके बाद आने के बाद आपको विजिट करना है, यहाँ जो आपको मिलता है पॉपअप पे, यहाँ जो लिंक मिलता है आप इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करते हैं तो आप मगध यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन पोर्टल है आप एडमिशन पोर्टल पर विजिट कर जाते हैं। ये मगध यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल पोर्टल है और यहाँ पर एडमिशन पोर्टल है। एडमिशन पोर्टल पर आपको नीचे की ओर मिल जाता है अपना एप्लीकेंट लॉगिन, आप एप्लीकेंट लॉगिन वाले सेक्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप एप्लीकेंट लॉगिन वाले सेक्शन पर क्लिक करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर आ जाता है मगध यूनिवर्सिटी का यूजर नेम और पासवर्ड डालने का, जो कि आपने जब ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट किया होगा तो आपके पास यूजर नेम होगा और पासवर्ड होगा। और मान लीजिए कि जो यूजर नेम और पासवर्ड भूल गए होंगे तो उनके लिए भी प्रॉब्लम नहीं है, वो बताएंगे, उसके लिए भी वीडियो दे दूंगा किस तरीके से यूजर नेम और पासवर्ड रिकवर करना है। यूजर नेम तो आपके पास 100% होगा, चूंकि जब आपने अप्लाई किया तो आपके पास रिसीविंग होगा उसमें यूजर नेम होता है, और पासवर्ड अगर आप भूल गए होंगे तो फिर आपको फर्दर सपोर्ट करेंगे। अगर मैक्सिमम प्रॉब्लम होगा देखेंगे, अगर कमेंट में अगर आता है प्रॉब्लम कि पासवर्ड फॉरगेट हो गया तो फिर उसके रिगार्डिंग वीडियो दे देंगे कि किस तरीके से आपको रिकवर करना है। चलिए यूजर नेम और पासवर्ड को भरते हैं तेज गति से। यूजर नेम और पासवर्ड हमारे पास भर लेते हैं, इसके बाद जो भी कैप्चर है कैप्चर को प्रॉपर सही तरीके से फिलअप कीजिए और इसके बाद आगे की ओर हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो कैप्चा को चलिए फिलअप कर लेते हैं एंड इसके बाद आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे, जैसे ही यूजर नेम और पासवर्ड को फिलअप करते हैं और लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका डैशबोर्ड आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पे कॉर्नर पे आपका नाम रहेगा, यहाँ पे इस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन सारे हैं इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको बताया जाता है। और यहाँ पे आपको एक सेक्शन मिल जाता है सबसे टॉप में ही, स्पॉट मेरिट ऑफर, यही आपका मेन इंपॉर्टेंट ऑफर लेटर है। आप जैसे ही इस सेक्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरीके का नया डैशबोर्ड ओपन होता है और यहाँ पे दो चीज़ आता है, एक आता है नोटिस इंस्ट्रक्शन और दूसरा आता है डाउनलोड ब्लैंक स्पॉट मेरिट परफॉर्मेंस। आपको ये जो ब्लैंक लेटर है इसको तो डाउनलोड करना है, लेकिन उससे पहले जो भी इंपॉर्टेंट नोटिस है जैसा नोटिस को पढ़ देते हैं और आपको समझा देते हैं। लेकिन नोटिस में देखिए, जैसे ही आप नोटिस वाले सेक्शन पर क्लिक करते हैं नो डायरेक्ट नो रिकॉर्ड फाउंड का नॉट रिकॉर्ड फाउंड का प्रॉब्लम आ जाएगा, बट वो छोड़िए, चूंकि मैं वो सारा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया हूँ तो उसको फिलअप करने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं। लेकिन यहाँ देखिए कुछ बात बताया गया है कि नीचे दिए गए बटन से परफॉर्मेंस खाली है, आपको क्या करना है इसमें फिलअप करना है। तो फिलअप करने के बारे में भी सारा प्रोसीजर आपको बताया था, और आपको क्या करना है इसमें साथ में एक बात ध्यान रखना है कि सारे दस्तावेजों को संलग्नित करके शीघ्र कॉलेज में जमा करें। अभी मैं आगे आपको बता दे रहा हूँ, इसका मतलब भी समझा दे रहा हूँ। पहले जो भी चलिए जो ब्लैंक ऑफर लेटर है वो हमारे जो हमारे पास है वो ब्लैंक ऑफर लेटर वो डाउनलोड हो चुका है, और ब्लैंक ऑफर लेटर में यहाँ जो कैंडिडेट का डिटेल है यहाँ पे नाम आ जाएगा, यहाँ पे जेंडर वगैरह आ जाएगा। यहाँ ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है। और यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो फेस है यहाँ पे है टू द प्रिंसिपल, यहाँ पे ही आपको करना है कि जिस भी कॉलेज में आपको जाना है, मान लीजिए कि गया कॉलेज गया में जाना है तो यहाँ लिखेंगे टू द प्रिंसिपल गया कॉलेज गया। इसके बाद आपको देना है, यहाँ देखिए कहा गया है टू द फील्ड बाय द कैंडिडेट एंड टू द फील्ड बाय द कैंडिडेट। यहाँ देखिए इसमें बताया जा रहा है कि आई विश टू टेक एडमिशन स्पॉट फॉलोइंग डिग्री। यहाँ आपसे दो चॉइस आपसे पूछा जाता है, ये बहुत अच्छी बात है कि एक कॉलेज में आप किसी दो चॉइस को आप भर सकते हैं। मान लेते हैं कि गया कॉलेज गया में मैं ट्राई कर रहा हूँ और मुझे मान लीजिए कि फर्स्ट चॉइस है मैथमेटिक्स तो इस बॉक्स में हम लोग डालेंगे मैथमेटिक्स, और सेकंड चॉइस में मान लीजिए फिजिक्स है तो इसमें डाल देंगे फिजिक्स। जो भी आपका सेटअप होगा, जो भी अगर कटअप से मैच करेगा तो आपको उस सेक्शन में आपका मेरिट बन के आ जाएगा, तो आप मैथमेटिक्स में भी ले सकते हैं एडमिशन, फिजिक्स में भी ले सकते हैं, आपको खाली अपना चॉइस बताना है। इसके बाद आपको यहाँ पर कैंडिडेट का सिग्नेचर करना है। इसके बाद क्या करना है, ऊपर का स्टूडेंट कॉपी है और नीचे का जो कॉपी है जिसे हम लोग कहते हैं कॉलेज कॉपी, तो स्टूडेंट कॉपी आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, कॉलेज कॉपी रख लिया जाएगा। यहाँ से बीच से यहाँ देखिए यहाँ पे इसको दो पार्ट में डिवाइड करने का यहाँ पे फाड़ने का जगह है, यहाँ पे फाड़ करके आपको एक पोर्शन आपको मिल जाएगा रिसीविंग के तौर पर और दूसरा कॉलेज में जमा हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम काम करना है आपको, यहाँ पे फिलअप करना है, आपको यहाँ भी अपने से फिलअप करना है, ऐसा नहीं कि कॉलेज के भरोसे छोड़ दीजिएगा। कॉलेज खाली यहाँ पे सिग्नेचर और मोहर करेगी। यहाँ देखिए एडमिशन ओपन डेट क्लोज डेट अभी नहीं कंफर्म है, क्योंकि मेरिट लिस्ट आने के बाद ही एडमिशन कंफर्म होता है, तो अभी एडमिशन ओपन भी ओपन है और क्लोज भी ब्लैंक है, यानी दोनों ब्लैंक है। वो सारा फिलअप भी आपको नहीं करना है, यहाँ आपका कॉन्फिडेंशियल कोड है, इसी कॉन्फिडेंशियल कोड से सारे एडमिशन के प्रोसीजर फिनिश होते हैं। सेम प्रोसीजर आपका पीजी कोर्सेज के लिए भी है, तो आप ध्यान रखिएगा पीजी कोर्सेज में सेम आपको काम करना है। यहाँ पे अपना कॉलेज मेंशन कीजिएगा, यहाँ पे अपना डिपार्टमेंट मेंशन कीजिएगा और कौन से फैकल्टी में कौन से पेपर में आप एडमिशन को लेना चाहते हैं उसमें आप मेंशन कीजिएगा। आपको भी कॉलेज में जाकर जमा करना है। कॉलेज में जमा करने का अगर डेट के बारे में बात करूँ तो 6 से लेकर के 8 तक ध्यान रखिएगा, 6, 7, 8 यानी टोटल 3 दिन है। इन 3 दिनों में आपको जाकर के ये जो सारा पूरा जो डॉक्यूमेंट है, ये जो पूरा ब्लैंक ऑफर लेटर है, इसको जाकर जमा करना है। साथ में आपको इसके साथ डॉक्यूमेंट भी जमा करना है, डॉक्यूमेंट में जो भी सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एडमिशन का वो सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी जमा करना है। डॉक्यूमेंट्स भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि रीड द स्पॉट नोटिस केयरफुली, ओनली फर्स्ट 3 डेज आर अलाउड फॉर द सबमिशन ऑफ ऑफर लेटर, यानी जो ऑफर लेटर है इसको जमा करने का मात्र आज से 3 दिन काउंटिंग करके, यानी 6, 7, 8। इसके बाद बताया जा रहा है कि द स्पॉट मेरिट लिस्ट मेरिट
इज ऑल फॉर ट्रेडिशनल कोर्सेज, यानी ये जो आपका जो आप जो ये फिलअप कर रहे हैं ये सारे कॉलेज में काम करेगा, गवर्नमेंट हो या फिर सेल्फ फाइनेंस हो, जो भी सारे कॉलेज हैं हर कॉलेज में काम करेगा, प्राइवेट हो या सरकारी हो उससे मतलब नहीं है। खाली एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी आप यहाँ पे चॉइस फिलअप करते हैं सीट का स्टेटस देख कर ही फिलअप कीजिएगा, ऐसा नहीं कि जिसमें सीट भी खाली नहीं है और उसको हम फिलअप कर देते हैं तो फिर वो बेकार हो जाएगा, आपके इस जो लेटर आप जमा करते हैं इसका कोई भी वैल्यू नहीं रह पाएगा, तो ध्यान रखिएगा। साथ में बताया जा रहा है देर विल बी नो मेरिट लिस्ट इशूड, इसमें बताया जा रहा है कि जो स्पॉट मेरिट लिस्ट यानी जो इसके लिए जो आप ब्लैंक ऑफर लेटर जमा करें इसके लिए किसी भी प्रकार का मेरिट लिस्ट नहीं आएगा, तो इस भ्रम में आप नहीं रहिएगा कि मेरिट लिस्ट आएगा, और ये जो मेरिट लिस्ट है ये कॉलेज अपने तौर पर प्रिपेयर करेगी, इसमें यूनिवर्सिटी का किसी भी प्रकार का दखल अंदाजगी नहीं होगा। तो इसमें पूरा पावर आ चुका है अपने कॉलेज के पास, तो आपको कॉलेज में सारा काम करना है, यूनिवर्सिटी खाली प्रोसीजर बता दिया गया है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीट का स्टेटस, चूंकि अभी आपको जो चॉइस फिलअप करना है यानी जो यहाँ पे आपको जो सब्जेक्ट का प्रेफरेंस आप देते हैं वो दीजिएगा सब्जेक्ट का स्टेटस देख करके, सीट का स्टेटस देख करके। तो चलिए सीट के स्टेटस को चेकआउट करने के लिए बताते हैं, चेकआउट करने के लिए क्या करना है, अभी आप डैशबोर्ड पे हैं, यहाँ पे आपको आ जाकर अपना लॉगआउट करना है, चलिए लॉगआउट करते हैं, लॉगआउट जैसे बटन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे फिर से आ जाएंगे हम लोग होम पेज पे, जहाँ से भी हम लोग चेकआउट करेंगे, होम पेज पे जैसे ही विजिट करते हैं तो यहाँ पे आपका जाता है नीचे की ओर जब स्क्रॉल करते हैं एप्लीकेंट लॉगिन से नीचे तो यहाँ जाता है सीट अवेलेबिलिटी, इस सेक्शन पर क्लिक करते हैं तो सीट का स्टेटस में आपको दिखाता है। जैसे मैं भी गया कॉलेज गया के लिए देख रहा था और देख रहा था मैथ ऑनर्स के लिए, तो बीएससी मैथ ऑनर्स खोल लेता हूँ, जिस भी ऑनर्स को आपको देखना रहे आप देख लीजिएगा। इसके बाद मैं यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ मैथमेटिक्स, डिस्ट्रिक्ट चूज करता हूँ गया और इसको शो बटन पर क्लिक करता हूँ, जैसे ही यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ देखिए सीट का स्टेटस दिखा दे रहा है गया कॉलेज गया में, आप देख सकते हैं गया कॉलेज गया में 254 सीट है और जिसमें 67 सीट अभी बचा हुआ है। जीए का मतलब होता है गवर्नमेंट कॉलेज है, इसमें ध्यान रखिएगा गवर्नमेंट का एफिलिएशन है, एसएफ में है सेल्फ फाइनेंस, तो ये सारा बात पे आप ध्यान रखिएगा, ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन जो सीट का स्टेटस है अभी गया कॉलेज गया में 67 सीट है, तो उम्मीद है कि जो भी स्टूडेंट मैथ भरेंगे या फिर जो भी जिस चॉइस में भरना चाहते हैं सीट का स्टेटस देख करके भरिएगा, आपका अलॉटमेंट 100% हो जाएगा और इसका जो अलॉटमेंट है वो आपको 8 तक तो जमा होगा, इसके बाद अलॉटमेंट उम्मीद है 9 से 11 तक हर हालत में हर कॉलेज अलॉटमेंट कर देगी और कॉलेज वाइज एडमिशन होगा, तो यूनिवर्सिटी का कोई मतलब नहीं है, आज से आपका यूनिवर्सिटी से कनेक्शन खत्म हो जाएगा, जैसे ही इस ऑफर लेटर को आप जमा कीजिएगा कॉलेज में जाकर के, फिर आपका यूनिवर्सिटी से कनेक्शन खत्म, अब जो भी होगा आपका कॉलेज से होगा। तो जो भी होगा कई सारे कॉलेज के अपडेट आएंगे, वो सारा अपडेट आने वाले टाइम में हम आपको चैनल पे देंगे। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तो डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में सबमिट करना है, उम्मीद है कि अभी आपको फोटो कॉपी सबमिट करना है, उसका ऑरिजिनल कॉपी नहीं सबमिट करना है। तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट हो जाएगा 12th का, इसके बाद जो आपका डॉक्यूमेंट हो जाएगा वो 10th का, इसके बाद आपका हो जाएगा CLC माइग्रेशन, ये सारा कॉपी अभी आपका फोटो कॉपी में जमा होगा, और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कास्ट सर्टिफिकेट। लेकिन अभी ब्लैंक ऑफर लेटर जमा करने में मैक्सिमम चांसेस है, जो दूसरे यूनिवर्सिटी में फॉलो किया गया वो आपका ब्लैंक ऑफर लेटर, इसके बाद आपका 12th का और इसके बाद आपका कास्ट, इसके बाद अगर आपका अलॉटमेंट हो जाता है उस कॉलेज में यानी उस कॉलेज अगर आपको सेलेक्ट कर लेती है तो फिर ये सारा डॉक्यूमेंट आपको बाद में जमा करना है, कुछ माइग्रेशन और आपका CLC ऑरिजिनल फॉर्मेट में, बाकी सब फोटो कॉपी फॉर्मेट में। तो ये इंपॉर्टेंट जो मैसेज है वो मैसेज मैंने आपके साथ डिलीवर किया, और ध्यान रखिएगा कि ये जो सेम प्रोसीजर है मैंने यूजी के लिए बताया सेम प्रोसीजर पीजी के लिए है, पीजी वालों के लिए इतना एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं, वो कंप्लीटली समझ चुके होंगे और समझ भी जाते हैं तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, अभी आप स्कूलिंग लाइफ से ओवर की है तो फिर आपको ज्यादा प्रॉब्लम होता है। सो गाइस आशा करते हैं इन्फॉर्मेशन आपको सही समझ में आएगा, वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो देखने के लिए बेहद ही धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट।